साफ सफाई का मुद्दों का यहाँ पे आपके सामने है, क्या दिख रहा हो देख लीजिए। प्राइवेट लैंड पे है तो बीएमसी का अधिकार है काम करने का, अगर वो लैंड पे नहीं है तो नगर सेविका का फंड से वो बना कैसा? आप नगर सेवक है, आपको भी सोचना चाहिए। यहाँ पे नो पार्किंग बोर्ड था, अब नो पार्किंग बोर्ड निकल गया तो लगाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आंचल तिवारी और आप जुड़ चुके हैं एचएम न्यूज के साथ। इस समय हम रामलीला मैदान में मौजूद है और हमारे साथ आरबीआई के नेता अली अहमद खान जी मौजूद है। उनसे हम कई सारे मुद्दों पर रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर लोगों को क्या समस्याएं हो रही है और उनसे जुड़े हुए क्या समस्या है। इसके पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो रहवासी रहते हैं उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो सबसे बड़ी समस्या है वो उनके घरों को लेकर है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है जिनके बारे में आज हम जानेंगे और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिरकार मुद्दा है जिसको लेकर वो सब हमसे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले लड़ाई करीब यहाँ पे 50-60 वर्षों से यहाँ पे रहते हैं, मेरी उम्र भी 56 है और हमारा जन्म भी यहीं पे हुआ है। यहाँ पे लोगों ने अपना घर बनाया, छोटे से घर थे, परिवार बढ़ते गया, कोई 18 बरस का था तो फिर आज 50 बरस का हो गया, जैसे कोई अगर पैदा हुआ तो उसके बच्चे हो गए। लोगों ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसी उम्मीद में बैठे थे कि यहाँ पे हमारा घर कहीं सिटिंग होगा, गवर्नमेंट ने जो आश्वासन दिया पहले से बहुत आई थी, लोगों ने सिर्फ आश्वासन दिया कि हम आपको शिफ्ट करेंगे, आपको घर देंगे, लेकिन घर की समस्या दूर नहीं है। तो लोग मजबूर होकर अपने घर को थोड़ा बहुत रिपेयर करते हैं या ऊंचा नीचा करते हैं, पानी की समस्या रहती है, गटर की समस्या रहती है, तो उसमें जीविके के लोग जो है आके इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो एक नई चाल चालू हो गई है। इसके पहले ऐसा कोई चीज़ें थी नहीं और हम लोगों की उम्मीद भी नहीं थी। और ये फ्लाइंग जोन एरिया बोलते हैं, फ्लाइंग जोन एरिया जो दूसरी जगह पे है, यहाँ पे लीला पेंटा टावर इस तरह सारी प्राइवेट सोसाइटियाँ बनी हुई है, बीच में एक बस्ती है। अगर बीच में बस्ती से कुछ तकलीफ है इनको तो हम लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। इन्होंने क्या अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया? लोगों ने इसके पहले जो सरकारें थे बीपी अपना युवान बिल्डर्स को भी कुछ बातें हुई थी, हम लोगों को सुनाई पाया कि यहाँ पर प्रीमियर में शिफ्टिंग की कुछ बातें की, लेकिन प्रीमियर में कुछ शिफ्ट नहीं किया गया। कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया तो वो जड़ी मरी के इलाके थे और जड़ी मरी का इलाका फ्लाइंग जोन माना जा सकता है, लेकिन इस एरिया से तो कुछ तकलीफ है नहीं। और इस एरिया के लोगों को प्रताड़ित करना, घर ऊंचा नीचा करना, तो ये मुझे नहीं लगता कि न्याय है। और इसके लिए हम लोग ने सोचा है, हमारे अटोली साहब ने निर्णय लिया है और हम लोग अपना मेमोरेंडम ले जाते देंगे। हो सकता है हम आने वाले टाइम पे जीविके पे बड़ा मोर्चा निकालेंगे और जीविके के खिलाफ हम धरना करेंगे, ऐसी हमारी मांग। तो जैसे कि आपने बोला कि यहाँ के लोगों को ज़्यादातर पानी की समस्या होती है या यहाँ पे और भी जो मुद्दे हैं उससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इसमें बीएमसी की भी लापरवाही, क्या आपने बीएमसी में कभी जाके इन चीज़ों को रखी उनके सामने कि यहाँ पे लोगों को पानी की तकलीफ होती है या जो वॉशरूम है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे वॉशरूम की जो समस्या है वो भी गंदी है, मतलब वहाँ पे कड़ी नहीं लगी होती है, एकदम गंदी तरह से रहते, साफ सुथरे नहीं रहते, तो क्या आपने इन मांगों को लेकर कभी बीएमसी ऑफिस गए थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी मांगों को रखा आपने कभी? नहीं, मेंटेनेंस में लोगों ने लेटर ड्राफ्टिंग हमारी बसाती हैं, परमात्मा गुप्ता बीजेपी के अध्यक्ष हमारे वार्ड के और परमात्मा गुप्ता जी इसको फॉलोअप ले रहे हैं और फॉलोअप, लेकिन उन्होंने लेटर भी कॉरेस्पॉन्डेंस भी किया हुआ है। कई समस्याएं हैं जो हमारे साथी हैं ये बताएंगे इस बारे में। बीएमसी की तरफ से अभी कोई भी ऐसे जो आपकी समस्या जो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है खासकर वॉशरूम का लेकर और पानी का लेकर, क्या बीएमसी की तरफ से उनके जो समस्याएं थे उसको दूर किया गया है या नहीं? मैडम, पहले तो मैं हिंद माता के बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। पहले तो बीएमसी की जो ऑफिसर जो है सबसे बड़ा लापरवाह है। हमने उनको लिखित तौर पे मैंने लेटर दिया है, जो ऑलरेडी मेरे पास लेटर है मैं आपको बता सकता हूँ, आप लेटर देख सकते हैं। पहले ये लेटर है जो मैं साफ सफाई के तौर के लिए मैंने दिया था। सेकेंड, मैंने ये आप लेटर देख सकते हैं कि यहाँ से शाम को 7 बजे या 6 बजे के बाद एक गाड़ी अंदर आ नहीं सकती है। मैंने RTO ऑफिसर को मैंने ऑलरेडी लिखा, बीएमसी अधिकारी को भी मैंने लिखा हूँ कि भाई आप इसमें निदान दो, लोगों को तकलीफ हो रही है। यहाँ से अगर एक एम्बुलेंस अगर कोई अगर दुर्घटना हो गया, कुछ भी हो गया, बीमार आदमी अगर एम्बुलेंस अगर यहाँ से रोड क्रॉस करना है तो ये गाड़ियाँ जा नहीं सकती है। RTO ऑफिसर को मैंने मिला, RTO ऑफिसर बताया आप एक काम करो, बीएमसी को आप फॉलो करो, बीएमसी वहाँ पे नो पार्किंग बोर्ड लगाएगी तो हम आपको वहाँ पे काम करना चालू करेंगे। नो पार्किंग का ऑलरेडी पहला बोर्ड लगा हुआ था, RCC रोड होने से पहला यहाँ पे नो पार्किंग बोर्ड था, अब नो पार्किंग बोर्ड निकल गया तो लगाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? महानगर पालिका की होती है, नगर सेवक का भी होती है, अस्थानिका का समाज सेवक है, उनका भी दायित्व बनता है बीएमसी में फॉलो करने का।
लेकिन इतने सारे फॉलो करने के बावजूद भी लोगों को समस्या, शौचालय की समस्या, आप अगर शौचालय में जाकर अभी देखेंगे, मेरे पास रिकॉर्डिंग था अभी थोड़ी देर पहले, मैं अब दिखा सकता था, उस रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो इतना कीड़े चलते हैं बाथरूम में, दरवाजे टूटे पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्थानीय सिर्फ आमदार ही काम करेगा, नगर सेवक का भी दायित्व बनता है। तो क्या नगर सेवक ने कभी यहाँ पे, कभी तो आए ही होंगे यहाँ के एरिया विजिट किए होंगे वो, तो क्या उनको ये समस्याएं दिखाई नहीं दी कि जिसको इन समस्याओं को पूरा करना चाहिए? नगर सेवक अपना हिसाब से काम करते हैं, वो भी साइड विजिट करते हैं, अब उनको समस्या दिखती या नहीं दिखती वो उनका प्रॉब्लम होता है। आप कभी उनके पास अपनी मांग को लेकर गए थे? मैंने बहुत बार गया है, लेटर भी मैंने फॉरवर्ड किया हूँ। यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक मच्छी मार्केट है, वहाँ पे जो मच्छी मार्केट है, मैंने उसके 2013 से मैं लड़ रहा हूँ उस विषय के, कि जो अनलीगल जो काम जो हुआ है मच्छी मार्केट के अंदर, जो मच्छी जो कोली समाज के जो लोग आते हैं वर्सवा साइड से बेचने के लिए, वो मच्छी मार्केट के अंदर से रोड पे बैठ के बेचते हैं। मैंने उनके बारे में उनको लेटर भी फॉरवर्ड किया, मैंने कहा कि भाई अब इसके बारे में हमको सोचना चाहिए, आप नगर सेवक है आपको भी सोचना चाहिए। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष हूँ तो मेरा भी दायित्व बनता है, मेरा RPI के साथी है रतन अस्वार जी मुंबई सर चिट्ठी से, अपना अंबोड़ी साहब है वार्ड अध्यक्ष है, अब मैंने सभी के साथ ये विषय रखा है, अली भाई के पास भी मैंने रखा हूँ, लेकिन बहाने वालों का ऐसा रहता है ये हमारे लैंड पे आता नहीं है, तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट बोलता है नहीं ये तो प्राइवेट लैंड पे, अगर प्राइवेट लैंड पे है तो BMC का अधिकार है काम करने का, अगर वो लैंड पे नहीं है तो नगर सेविका का फंड से वो बना कैसा, ये बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब घोटाला हुआ या तो उसको काम करना नहीं चाहते अधिकारी। अभी हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दे हैं, और लगातार वो अपनी मुद्दों को लेकर नगर सेवक से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो धरी के धरी रखी हुई हैं, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आपको ये मैं नोटिस दिखाना चाहूँगी, जो यहाँ के लोग हैं, ये नोटिस BMC को कई बार दिया जा चुका था और उनको बताया जा चुका है कि यहाँ पे सबसे बड़ी लोगों की दिक्कत हो रही है वो वॉशरूम और पानी को लेकर हो रही है, लेकिन फिर भी BMC की तरफ से कदम नहीं उठाया गया है। तो इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें BMC की भी लापरवाही है, क्योंकि जब यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के कार्यकर्ता जब इन मुद्दों को लेकर BMC के पास बार बार जा रहे हैं तो भी BMC उन मुद्दों को दूर करने के लिए कोई भी कष्ट नहीं उठा रही है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आखिरकार क्यों ये मुद्दों को पूरा नहीं किया जा रहा है? ऐसा है कि यहाँ पे क्यों यहाँ के एरिया के जो लोग हैं, क्या ये यहाँ से मांग नहीं करते हैं कि हमें ये परेशानी है? आप लोग तो बार बार जाते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ के एरिया के लोगों की भी गलती होगी ना? जी नहीं, एरिया के लोगों की गलती बिल्कुल नहीं, जैसे परमात्मा जी है यहाँ के सामाजिक सेवक है, जो चल रही थी उसमें भी काम नहीं हुआ है और ना ही हुआ, लेकिन लोगों को सहयोग करने का काम हर पक्ष के, हर दल के, हर सामाजिक कार्यकर्ता ने किया है यहाँ पे। लेकिन विषय जो है साफ सफाई का मुद्दों का, यहाँ पे आपके सामने है, क्या दिख रहा है वो देख लीजिए। आपको बता दें कि मैं आपको यहाँ पे नजारा दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से यहाँ पे लोग रहते हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ के रहवासी भी हैं, लेकिन यहाँ का जो दृश्य है वो देखने के बाद आप खुद आश्चर्य हो जाएंगे कि क्या यहाँ पे कितनी गंदगी है। आप देख सकते हैं कि ये राम मैदान है और यहाँ पे ये जो मैदान है ये लोगों के रहवासियों के बीच में आता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी साफ सफाई नहीं है और यहाँ पे छोटे छोटे घर है और लोग इसी घर में अपना गुजारा कर रहे हैं, और इस समय कोरोना काल है, लेकिन इस कोरोना काल में लोग इस महामारी में किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ से और भी लोगों से मैं जानूंगी कि आखिरकार इस कोरोना काल में इनकी तरफ से और यहाँ के लोगों के लिए क्या कदम उठाया गया था। सर, यहाँ के लोगों के लिए क्या कदम उठाया गया था? यहाँ के लोगों ने बहुत बार मतलब सरकार से, BMC से और RTO से भी बहुत बार निवेदन दिया, मैं RPA का कार्यकर्ता हूँ, और बहुत बार ऐसे मतलब आंदोलन भी हम लोग ने किए थे। अब यहाँ पे जो ये मैदान है, ये मैदान में यहाँ पे रहने वाले जो लोग है इधर के रहवासी, इनका गाड़ी पार्किंग हो सकता है। अच्छा, न्यूज़ के साथ आते हैं।